सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल प्रियंका सिंगल एक्सपेरिमेंटिंग विद टीचिंग में। साथियों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। हम देखेंगे कि मानव संपदा पोर्टल पर जाकर हम अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हमें जाना है गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर हमें जाकर वहाँ पर लिखना है ehrms.upsdc.gov.in। ये मैंने इस पर लिखा है। हमें राइट एरो पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे आ जाना है। डेस्कटॉप साइट पे आने के बाद ये हमारी जो वेबसाइट खुल गई है, अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें EHRMS लॉगिन लिखा है। इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये आ गया है। डिपार्टमेंट नेम में हमें अपने डिपार्टमेंट जो कि बेसिक एजुकेशन है वो ले लेना है, और यूज़र आईडी में हमें अपना यूज़र आईडी डाल लेना है। जो भी हमारा यूज़र आईडी है, हर कोई अपना यूज़र आईडी डालेगा, MS ID मानव संपदा वाला आईडी। पासवर्ड भी, जिस पासवर्ड हमने क्रिएट कर रखा है उसी पासवर्ड को हमें इसमें डालना है। उसके अलावा कोई दूसरा पासवर्ड नहीं लेना है। उसके बाद एक कैप्चा टेक्स्ट इसमें हम डालेंगे। जैसे इसमें लिखा है स्मॉल है तो स्मॉल में, कैपिटल है तो कैपिटल में हम डालेंगे। कभी कभी ये जो है ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमें इसको बार बार ट्राई करना होता है। ये हमने लॉगिन किया तो अब हमारा लॉगिन हो गया है। अब आप देख रहे हैं ये हमारा पोर्टल खुल गया, ये हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा पेज खुल गया है, मेरा खुल गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टैब है ग्रीन कलर का, इस पर चार पांच चीज़ें लिखी हैं। इसमें से जनरल जो लिखा है हमें इस पर क्लिक करना है। व्यू और अपलोड डॉक्यूमेंट सबसे लास्ट में लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। अब हमें डॉक्यूमेंट कैटेगरी है यहाँ पर दो टाइप की, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट में हमें पैन कार्ड अपलोड करना है, और एजुकेशन डॉक्यूमेंट में हमें अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, BTC, विशेष BTC जो भी है वो अपलोड करना है। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइप में गए और इसमें हमें अदर डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट किया, तो हमें ये आएगा ऑप्शन पैन या ड्राइविंग लाइसेंस, तो हमें पैन कार्ड के सेलेक्ट करना होगा। और अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में हम सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप पर आने के बाद हमें सेलेक्ट करना होगा सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल जो है हम सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे क्वालिफिकेशन नेम। तो क्वालिफिकेशन नेम में हम जो सर्टिफिकेट अपना जो क्लास का सर्टिफिकेट हम डाल रहे हैं वही हम डालें। तो मैंने यहाँ से BEd सेलेक्ट कर लिया। अब स्पेशलिटी और इशू डेट, हमने इशू डेट डालनी है अपने सर्टिफिकेट की, BEd के सर्टिफिकेट की इशू डेट हम जो होगी हमारे डॉक्यूमेंट में वही डालेंगे। तो ये 23/12/23 रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर मैंने डाला 96, ये मैंने डाला। और इसके बाद मुझे डालना है चूज़ फाइल, अपना सर्टिफिकेट डालना है। तो चूज़ फाइल करके मैं गई डॉक्यूमेंट्स पे जहाँ मैंने पहले से PDF बना के रख रखी है। और ये ध्यान रखना है कि हमें 100 KB से कम की PDF बना कर रखनी है, क्योंकि हमें वही चाहिए। या इसमें 100 KB से ज़्यादा की PDF ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और किस तरह से हमें अपनी PDF का साइज़ रिड्यूस करना है, किस तरह से PDF बनानी है, ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, आप फिर से जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो लेनी है डॉक्यूमेंट वो हम ले लेंगे। और यहाँ से हमने लिया फाइल, अपनी सेलेक्ट करेंगे। जो कि मैंने पहले से कर रखी है, ये BEd PDF, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। और अब मैंने सबमिट कर दिया है। ये सब ओके करके चूज़ फाइल करके आप देख रहे हैं BEd PDF लिखा है, और यहाँ से मैंने सबमिट किया। उसके बाद ये पूछ रहा है ओके, मैंने ओके प्रेस किया तो ये मेरी फाइल जो है यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब
अब आप देख सकते हैं ये शो कर रहा है डेटा हैज़ बिन सक्सेसफुली सेव्ड। अब आगे हम देखते हैं कि हम इसको कैसे देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए, दो डॉक्यूमेंट मेरे अपलोड हो चुके हैं, पैन कार्ड और ये बीएड का भी मैं सबमिट कर चुकी हूँ। तो साथियों, इसी तरह आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। आप इसे यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, और उपयोगी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताते रहें कि किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बी पॉजिटिव। बाय।